नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर, जहां पर होते हैं सवाल आपके और हम लेकर आते हैं उनके जवाब पूरी रिसर्च करके। तो उन्हीं में से एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, और ये सवाल शुरू होता है DRDO। व्हाट इज DRDO एग्जैक्टली, ये क्या है? क्या आपने DRDO का नाम सुना है, और क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी खास जानकारियां रखते हैं? हो सकता है कि आप इसका नाम जानते हो, लेकिन ये संस्था देश की रक्षा से जुड़ी एक खास संस्था है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट पर इस वीडियो में हम आपके लिए DRDO से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां लेकर आए हैं, ताकि आप देश से जुड़े स्पेशल मैटर्स के प्रति भी अवेयर रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि DRDO क्या है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये संस्था भारत की रक्षा से जुड़े रिसर्च वर्क करती है, और देश की रक्षा शक्ति को स्ट्रांग बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। DRDO क्या है ये जानने के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि DRDO की स्थापना कब हुई। तो DRDO की स्थापना 1958 यानी कि 1958 में भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए की गई थी, और तब इसे भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। DRDO रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है, और अभी इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का आधार विज्ञान ही है। अभी DRDO में 30,000 एम्प्लॉइज है, जिनमें से 500 साइंटिस्ट है, और इसीलिए DRDO एक बहुत ही खास संस्था है। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये भी तो समझा जाए कि DRDO किस तरीके से काम करता है। DRDO भारत की रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए लगातार जुटे रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जल थल और नभ सेनाओं की रक्षा जरूरतों के अनुसार वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करती है। DRDO मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बहुत से एरियाज में भी काम करती है, जैसे एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सिस्टम्स, मिसाइल्स, मटेरियल्स, नेवल सिस्टम्स, एडवांस कंप्यूटिंग, स्टिम्युलेशन और लाइफ साइंस। तो DRDO द्वारा डेवलप किए गए मेजर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज की लिस्ट एक्चुअली काफी लंबी है, जिनमें से कुछ के नाम हम आपको यहाँ बताते हैं। एयरबोर्न टेलीमेट्री रिसीविंग सिस्टम, ऑल इलेक्ट्रिक टाइप वेपन कंट्रोल सिस्टम फॉर ICV, एंटेना सिस्टम्स, भीमा, बायोमेडिकल डिवाइसेज फॉर इंटरनल यूज, बायोमेडिकल डिवाइसेज फॉर एक्सटर्नल यूज, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स फॉर इन्फेक्शन इमेजिंग, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी कि ERA, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम स्टिम्युलेशन, कावेरी इंजन और लेजर वार्निंग सेंसर्स। तो भारत की सुरक्षा के लिए DRDO के द्वारा तैयार की गई अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश मिसाइल्स भी इसी लिस्ट में शामिल है। और अब बारी है ये जानने की कि DRDO का विजन क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है। DRDO का विजन भारत को वर्ल्ड क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी का मजबूत आधार देकर आगे बढ़ाना है, और देश की डिफेंस सर्विसेज को मजबूत बनाना है। अब सवाल ये आता है कि DRDO के लक्ष्य क्या है, वो क्या चाहती है? तो देश की डिफेंस सर्विसेज के लिए एडवांस सेंसर, वेपन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करना, डिफेंस सर्विसेज को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना, कमिटेड क्वालिटी मैनपावर तैयार करना, साथ ही स्ट्रांग टेक्नोलॉजी बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। और आइए अब आगे जानते हैं कि DRDO में किस तरह की वैकेंसीज निकलती है। तो DRDO टाइम टाइम पर जॉब वैकेंसी निकालता रहता है, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब ऑप्शंस होते हैं, और इस एजेंसी में आप क्लर्क, स्टेनोग्राफर, फायर इंजन ड्राइवर, जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट जैसी जॉब्स अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर इजीली पा सकते हैं। और बात करें आगे कि DRDO क्या स्कॉलरशिप भी देता है, तो जवाब ये है कि DRDO के एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा गर्ल्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है,
ये स्कॉलरशिप एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी या एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग या एवियोनिक्स में यूजी और पीजी करने वाली फीमेल स्टूडेंट को दी जाती है जिसने जेईई मेंस भी क्लियर कर रखा हो और भारतीय नागरिक होने के साथ साथ वो स्टूडेंट बीई या बीटेक फुल टाइम के पहले साल में हो या एमटेक या एमई के पहले साल में हो। तो दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए नए नए इक्विपमेंट्स बनाने का जो काम डीआरडीओ को सौंपा गया था उसे ये एजेंसी इतना बेहतर तरीके से पूरा कर रही है कि आज बहुत से बड़े बड़े देश रक्षा तकनीक में भारत से बहुत पीछे छूट गए हैं और बहुत से बड़े देश भारत से ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की डिमांड भी कर रहे हैं। तो भारत जिस तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हर देश भारत का लोहा मानने को तैयार हो गया है और इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि भारत की ऐसी ग्रेट एजेंसी डीआरडीओ से जुड़ी ये सारी खास बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए जानकारी आपको कैसी लगी, साथ ही साथ इस जानकारी को बाकी सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसी जानकारियों के लिए आपको एग्जैक्टली वही करना है जो आप सोच रहे हैं। आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करना है ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें और ऐसी जानकारियां आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद फिलहाल के लिए, आगे मुलाकात होगी ऐसी ही जानकारियों के साथ।